हेलो मित्र एवं किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग सिमुलेटर यूट्यूब चैनल पर। मैं मुकेश यादव सभी दर्शक एवं किसान साथियों को एक बार फिर नमस्कार करता हूं। किसान मित्रों एवं दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरसों की फसल के बारे में। जी हां दोस्तों, आप जैसे कि पीछे देख रहे हैं, ये है हमारी सरसों की फसल। तो दोस्तों, बात करेंगे सरसों की फसल का कौन सा बीज था, इसकी समय अवधि क्या थी, इसका बुआई का तरीका क्या था, इसकी सिंचाई कब की गई एवं इसमें कौन सा उर्वरक खाद डाला गया, साथ ही दोस्तों इसके जो है अभी जो कंडीशन है ये क्या है, तो सारी बातें इस वीडियो में होने वाली है विस्तार से सरसों के फसल के बारे में। तो दोस्तों, जो भी किसान भाई या जो भी मित्र इस यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहा है, उनसे निवेदन है कि नीचे एक सब्सक्राइब की बटन है, सब्सक्राइब की बटन दबा लें, पास आई घंटी के निशान को भी दबा लें, ताकि दोस्तों आपको हमेशा इसी प्रकार से जो है खेती बाड़ी की जानकारियां प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, साथ ही दोस्तों किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं, तो दोस्तों देखते हैं हमारी सरसों की फसल और बात करते हैं इसकी सिंचाई, निंदाई गुड़ाई, उर्वरक, कीटनाशक, बुआई, बीज, सारे जानकारी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, तो मित्र एवं किसान साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं समय की। दोस्तों, ये जो हमारी आप सरसों की जो फसल जो देख रहे हैं, यह हुई है 60 और 3 दिन यानी कि 63 दिन की अवस्था में है। इसकी कंडीशन की अगर बात करूं दोस्तों, तो फूल भी जो है, इसमें फल जो है इस प्रकार से आ गए हैं, यानी कि आधे फल आधे फूल की कंडीशन में अभी वर्तमान का समय में यह दिखाई दे रही है। दोस्तों, यह 63 दिन की फसल है, 2 महीने 3 दिन की फसल है। बुआई का अगर समय की बात करूं तो 1 नवंबर के दिन जो है इसकी बुआई कर दी गई थी। दोस्तों, बुआई का तरीके की अगर बात करें तो दोस्तों इसके जो है भुरका विधि से जो है इस सरसों की फसल की जो हमने बुआई की थी, दोस्तों भुरका विधि से यानी कि खाद में मिलाकर बीज को जो है खेत के अंदर फेंक दिया गया था, और इसके बाद जो है कल्टीवेटर, अपना जो ट्रैक्टर वाला कल्टीवेटर यानी कि बखर कह सकते हैं, उसको पाठा लगाकर फेर दिया गया था। दोस्तों, खेत में काफ़ी पर्याप्त नमी थी, उस वजह से जो है खेत के अंदर बीज चला गया, नमी के अंदर गया और बीज जो है सारा बाहर जो है निकल आया, यानी कि अंकुरण होकर फसल जो है बाहर निकल आई। तो दोस्तों, ये तो था तरीका बुआई का। अब बात कर लो दोस्तों, बीज कौन सा था। दोस्तों, बीज की अगर बात करूं तो सरसों का बीज जो है एम पाइनियर 45 कंपनी का जो बीज था, जो कि दोस्तों अभी तक जो है सबसे अच्छा जो है बीज कंपनी की अगर मानूं तो सबसे अच्छा जो है इसको जो है माना जाता है। कहा जाता है दोस्तों कि इसका जो उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों, मैंने तो इस फसल को जो पहली बार लगाया है, इसलिए जो है मैं अभी आपको जो है इसके उत्पादन के बारे में नहीं बता सकता। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सिंचाई की। तो दोस्तों, जो हमने सिंचाई इसकी की थी, तो दोस्तों पौधा जो है हमारा बाहर निकल आया था 1 फीट के करीबन, यानी कि 30 दिन की जब अवस्था हो चुकी थी जब हमने जो है इसकी प्रथम सिंचाई इस कंडीशन में की थी। जैसे कि आप देख रहे हैं चित्र में, यह कंडीशन जो है पौधे की बन चुकी थी, उस समय जो है हमने इसकी सिंचाई कर दी गई थी। दोस्तों, सिंचाई एक ही की गई है और वो जो है फसल में 30 दिन की जब इसकी समय अवधि हुई थी, उस समय जो है इसकी फसल की जो है सिंचाई हमने की थी। अब बात कर लेते हैं उर्वरक की। तो दोस्तों, उर्वरक की अगर बात करूँ तो हमने इसमें यूरिया जो है उर्वरक सिंचाई से पहले खेत में डालकर और इसकी सिंचाई कर दी गई थी। इसके अलावा यूरिया के अलावा अभी तक जो है दूसरा कोई भी उर्वरक हमने नहीं डाला है। दोस्तों, बात कर लेता हूँ इसके कीट नियंत्रण की। तो दोस्तों, कीट नियंत्रण के लिए हमने एक ही स्प्रे इसमें जो है किया हुआ है, और वो स्प्रे जो है रोगो आउट के नाम से जो दवा आती है रोगो आउट, उसका जो हमने एक स्प्रे किया गया है, जो कि दोस्तों मोला जो रहता है फसल में, सरसों की फसल में आता है, फूल के अंदर जो फूल के ऊपर बैठ जाता है फल के अंदर, उसका रस चूसता है, उसके लिए इसका स्प्रे किया गया था।
लेकिन दोस्तों अब लग रहा है कि हमें दूसरा स्प्रे भी इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कंडीशन पर ऐसी जगह दिखाई दे रही है कि जहां पर जो है मोला जो है आ चुका है और फिर से जो है इसमें जो है रस चूसने लगा है। और दोस्तों अब इसकी बात कर लेता हूं इसकी हाइट की। तो दोस्तों हाइट तो मेरे हिसाब से 6 फुट की जो है इसकी जो है हो चुकी है, यानी कि मैं जो हूँ 5 फिट 6 इंच का हूँ, तो मेरे से भी जो है ऊपर इसकी हाइट है। तो करीबन हम जान सकते हैं कि ये 6 फिट की जो अभी अभी जो है इसकी स्थिति बन चुकी है। तो दोस्तों ये थी हमारी सरसों की फसल, इसकी बुआई, सिंचाई और उर्वरक सभी जानकारी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने किसान साथियों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ जय जवान जय किसान जय हिंद।